मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को देखकर बहुत सारी इच्छाएं जाग उठती है, बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती है जो शायद हमें पता नहीं या की नहीं होगी, चाहे वो स्नॉर्कलिंग इन मालदीव्स हो या लक्षद्वीप हो या हिमालयन माउंटेन्स के ट्रैकिंग हो या बस कोई टेंपल विजिट हो। हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन दूसरे कर रहे हैं, इसलिए मत कीजिए। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो है मैं पूरी दुनिया घूमूं, और जिसमें मैं लगी हुई हूँ, मैं कश्मीर भी गई हूँ, नेपाल भी गई हूँ, उड़ीसा भी गई हूँ, भोपाल गई हूँ, कन्याकुमारी गई हूँ। तो मेरी तो इच्छा है कि मैं पूरा देश घूमूं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि टूरिज्म हमारे देश में इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, तो हम जो पैसे बाहर बर्बाद करते हैं, जैसे हाल ही में मैंने कहा कि भाई लोग बोलते हैं कि स्विट्ज़रलैंड कश्मीर मिनी स्विट्ज़रलैंड है, और मैं ये कहती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो मिनी कश्मीर है। कश्मीर तो हमारे पास है, इतनी खूबसूरत जगह जब हमारे पास है तो हमें अपना देश पूरे अच्छे से देखना चाहिए, एंड आई फील दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट डू यू समवेयर डाउन द लाइन बिलीव के ये काफी अनफेयर था जिस तरह से मरियम जी ने कमेंट किया, ट्वीट किया, एंड हम इंडियंस हैव सपोर्टेड देम विद द वाटर क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव सपोर्टेड टू द मालदीव्स पीपल। इन इनफैक्ट देयर आर सो मेनी एक्ट्रेस एंड एक्टर हु गोज टू मालदीव्स एज टूरिज्म। सो ये काफी अनफेयर ट्वीट नहीं था आपको लगता है? देखिए, एक कमेंट के ऊपर दूसरा कमेंट, दूसरे कमेंट के ऊपर तीसरा कमेंट, जो उन्होंने कहा उनको अनकहा कर दो, ना तो सुनो, ना देखो, ना पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? जो आपके मन में हो वो बस करो।